आपकी डिमांड पे, आपके कमेंट पे नर्मदा की पहचान पार्ट टू आ चुका है। तो भाइयों वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको बहुत आसान तरीका बताया जाएगा। अगर भाइयों आपको ये तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और घंटे को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नमस्कार भाइयों, इंडियन एनिमल इन हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाइयों ये एक हमारे पास काला कबूतर, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आपको स्क्रीन पे थंबनेल शो हो रहा होगा, आप हमारी वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो भाई आपको करना क्या है, इसके पैरों की बीच में एक हड्डी आएगी भाइयों, दोनों के पीछे से आई होगी भाइयों वो हड्डी। ये देखिए भाइयों ये कबूतर है, और आपको ये जो हड्डी आती है भाई उसके पैरों के बीच में जस्ट ऊपर जाके देखना है। यहाँ देखो भाई एक हड्डी होगी, आपको उसमें उंगली डाल के देखना है। अगर दोस्तों वो जगह एक चने से या गेहूं के दाने के बराबर हो तो भाइयों आप उसको देख लेना, वो नर होगा। ये भाइयों एक मादी है, अभी मैं इसके भी करके दिखाऊंगा। इसके पर देख लो भाइयों कैंची में, जो आपको मैंने काला कबूतर दिखाया भाइयों उसी के साथ इसका जोड़ा डाला है। तो भाइयों आपको वैसे ही उस चार इस हड्डी के दोनों पैरों के बीच में एक हड्डी आएगी, जोड़ जिसे कहते हैं, उसको आपको चेक करना है। ये देखिए भाइयों यहाँ पे मेरी उंगली देखिए भाइयों कितनी अंदर जा रही है, तो मतलब ये मादिन है। भाइयों आपको उंगली डाल के देखना है, किसी किसी के भी जोड़ खुले भी होते हैं भाइयों, मादिन के ज़्यादातर जोड़ खुल जाते हैं अंडे देने की वजह से या ऐसे भी। तो भाइयों आपको ऐसे ही चेक करना है। अब मैं एक नर लेके आता हूँ दूसरा। तो भाइयों देखिए मैंने एक नर ले लिया है, अभी मैं इसके भी करके दिखाऊँगा। ये देखिए पहले भाइयों इसके पर कुछ ऐसे हैं भाइयों। और भाइयों आपको जो आप इसके चार उंगल की जिसे बोलते हैं हड्डी भाइयों, जो चार उंगल की, तीन उंगल की, पांच उंगल की जो नीचे से हड्डी होती है पोटे के पास से भाइयों, उसके जस्ट ऊपर ही ये होती है। ये देखिए भाइयों मैंने दोनों पैर के बीच में ये देखिए भाइयों मेरी उंगली ये जा रही है। तो भाइयों देख सकते हैं इसका जोड़ ना के बराबर ही खुला, मेरी उंगली अंदर नहीं जा रही बिल्कुल भी। ये देखिए भाइयों मैंने धक्का दिया पर ढंग से अंदर नहीं जा रही है, ये बहुत कम खुली हुई है। तो भाइयों एक मादिन लेके आता हूँ। ये देखिए भाइयों अगर इस मादिन की वीडियो आपने नहीं देखी होगी तो भाइयों इसकी वीडियो आपको आई बटन पे ही मिल जाएगी और इसका थंबनेल आपको शो हो जाएगा भाइयों स्क्रीन पे। ये देखिए भाइयों ये कबूतरी है एक, इसने भी अंडे दे रखे हैं भाइयों, अंडे देने से भाई कबूतरी के जोड़ खुल जाते हैं भाइयों सारे। ये देखिए भाइयों मैं आप करके दिखाता हूँ, ये देखिए भाइयों मैंने उंगली डाली कितनी अंदर जा रही है उंगली, तो मतलब भाइयों ये मादिन है। तो भाइयों इसका पार्ट थ्री भी आएगा, उसके लिए भी आप इंतज़ार करना। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाइयों नीचे एक लाल कलर का बटन होगा उसको दबा देना और वीडियो को लाइक कर देना भाइयों पसंद आए तो। भाई एक काली मादिन है, ये घर की पट है, इसके पर दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए भाइयों ये देखिए इसके पर, ये अभी दसवीं कली इसने गिराई है। तो भाई मैं इसके करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए भाई मैंने इसके किया, अभी इन्हें अंडा नहीं दिया बट इसके हल्के हल्के जोड़ खुले हुए हैं, अभी देख सकते हैं भाई। ये देखिए मैंने उंगली डाली कितनी अंदर जा रही है, इसके हल्के हल्के जोड़ खुले हैं। तो भाई कि ये मंदरासन कबूतरी हमने जंगली कबूतरों में से पकड़ी है। अगर इसकी वीडियो आपको देखना चाहते हैं आप तो आपको मिल जाएगी भाई आई बटन पर भी और इसका थंबनेल भी शो हो जाएगा आपको स्क्रीन पर, आप वीडियो आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो भाई अब मैं इसमें करके दिखाता हूँ। ये देखिए भाइयों ये हमने करा, और भाइयों इसके भी जोड़ ना के बराबर ही खुले हैं, एक आध चने के दाने के बराबर। तो आपने देखा इसका जोड़ भी एक चने के दाने के बराबर ही है। तो भाइयों ये आपको थंबनेल शो आ रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो भाइयों एक लाल कलर का बटन आएगा स्क्रीन पे भी और वीडियो के नीचे भी, तो आप उसको दबा के काला कर दीजिए भाइयों। उसके बगल में घंटी का आइकन आएगा उसको भी दबा दीजिए। और भाइयों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर देना ताकि उनको भी नॉलेज मिल जाए।